और ये क्या देख रहा है ऊपर? ओए ओए ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਦਮ ਯਹਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਜਾਏਂਗੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਔਰ ਹਮ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੇਖਨੇ ਉਤਰਤੇ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਸੁਣਤਾ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਜਨਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ तो दोस्तों ये गोविंद घाट का गुरुद्वारा साहब है, निशान साहब दिखा दूँ आपको मैं। अरे भाई जा रहा है, यात्रा हमारी कल सब होगी चालू और हम गोविंद घाट में रुक गए। हाँ भाई किदा फिर जा रहे, हाई हो सब बढ़िया हो गए और सब मज़े ले रहे हो गए। तो आज हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। पहला पार्ट देख लिया होगा, ये दूसरा पार्ट है और इसके बाद हम यहाँ से गुरुद्वारा साहब रुके थे। इसका व्यू देखो यहाँ का, व्यू देख रहे हो? अरे भाई तब ये यहाँ का व्यू है। तो इसके बाद आगे हम गोविंद घाट जा रहे हैं, यहाँ पर रात स्टे करा क्योंकि लंबी बाइक नहीं चला सकते थे। अब इसके बाद गोविंद घाट जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से गोविंद घाट मान लो 100-110 किलोमीटर है, मतलब 3-3.5 घंटे का रास्ता। सुबह के बज रहे हैं 5:00 मतलब 7-8-9 बजे, मतलब 8 बजे मान लो गोविंद घाट पहुँच जाएंगे। और व्यू देखने तो मैं आ गया था भारी, मतलब व्यू ही देख ले। तो मिलते हैं गोविंद घाट जाके देखते हैं। तो यार देख सकते हो ऊपर सारी बाइकें खड़ी हुई, ये सारा गुरुद्वारा है, यहाँ पर सब रुकते हैं ऊपर जाने के लिए, गोविंद घाट जाने के लिए। ये दूर से ये व्यू देख सकते हो, यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पर सब बाइकें जो भी होते हैं ना, रात में जो अगर जो लंबी नहीं चला सकता वो यहाँ पर आके रात में रुक सकता है। मंगरासू जगह का नाम है मगरासू, और यहाँ से जाएंगे गोविंद घाट। क्या वो तेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था? क्या फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था? तो मगरासू जगह का नाम है, इससे आगे अब जाएंगे गोविंद घाट और गुरुद्वारा, तब बढ़िया बना रहेगा था ना। व्यू दिखा दूँगा आपको यहाँ से, देख सकते हो गुरुद्वारा मगरासू का। अब यहाँ से आगे गोविंद घाट जो 3 घंटे रास्ता है, 110 किलोमीटर है यहाँ से। अब वहाँ जाएंगे गोविंद घाट, वहाँ रात स्टे करेंगे फिर। तो भाई यहाँ हो रही है बाइक कराए हमारी, इसका हमें जाना है ऊपर, इसी बाइक के ऊपर जाना है। और नगरासू गुरुद्वारा गोविंद नगर, यहाँ पर रात में स्टे करा है। और यहाँ से देखो वैसे पहनेंगे अब क्योंकि बाइक चलानी है, और पगड़ी हवा से बहुत तेज हवा चलती है कि, और यहाँ सारी बाइक अभी एक साथ आएंगी, और सारी बाइक में तो गर्म हो रही है सारी बाइकें क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है। और ये पहाड़ देख रहे हो, ऐसा लग रहा है अभी गिर जाएगा ऊपर से। और ये सारा रास्ता ये सीधा ऊपर जाएगा गोविंद घाट, ये सारा रास्ता ऊपर जाएगा गोविंद घाट तक। और ये क्या देख रहा है ऊपर? ओए ओए ऊपर देखो, किसे देख रहा था ये? देखो ऊपर दिख रहा है, ये देखो भाजी किदा लग रहा है, तुम किदा लग रहा है? वाटरफॉल देख रहे हो, और हम आ गए नीचे। कौन सी जगह है पापा जी? दसो कड़ी जगह है? गोविंद घाट भाई। गोविंद घाट पहुंच गए? बस 10 किलोमीटर रह गया गोविंद घाट ही। गोविंद घाट में 10 किलोमीटर रह गया वाटरफॉल के लिए। यहाँ पर ये सब चाय पीने रुके थे हमारी बहन जो खड़ी, और ये क्रिकेट है यहाँ पे। और ऐसी हालत है, वो पहाड़ देख रहे होते थे। और एक पहाड़ और दिखा, वो ऊपर दिख रहा है बड़ा बड़ा पहाड़।
फिर देखो। और इसके बाद हम यहाँ रेस्ट करने के बाद अब गोविंद घाट जाएंगे। यहाँ से वाटरफॉल देखने उतरे थे, वो दिख रहा होगा वाटरफॉल। यहाँ से गोविंद घाट जाकर रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे आगे क्या प्लान रहता क्या नहीं रहता। क्योंकि गोविंद और ये व्यू इतना बढ़िया लग रहा है ना पहाड़ों के बीच का। हमारा फर्स्ट टाइम है ऐसे जो मजा आ गया। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं गोविंद घाट स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ स्टे करना है, बैग रखने हैं, कपड़े वपड़े रखने हैं। और ये दिखा देता हूँ, और गोविंद घाट जब आप आओगे ना तो यहाँ पर जियो की सिम लेके आए, क्योंकि यहाँ एयरटेल के नेटवर्क बहुत ही रेयर आते हैं। और इस सब व्यू देख सकते हो आप। अब नीचे जो बाइक खड़ी करने गए हैं, मैं भी नीचे जा रहा हूँ बाइक के पास ही। वो खड़ी सारी बाइकें दिख गई होंगी दूर से, देखो मैं दिखाता हूँ करके। देखिए ये सारी बाइकें इस तरफ खड़ी होंगी। ये ऊपर पुल है देख रहे हो, ये ऊपर से पुल है, और यहाँ से हेलीकॉप्टर भी जाते हैं और वैसे भी रूट रहता है। ओ भाई पानी चेक करो, पानी जबर करता हूँ कि सुबह में जा रहा ही है, जा रहा है। यात्रा हमारी कल सब होगी चालू, और हम गोविंद घाट में रुक गए बद्रीनाथ जाने का। इनका जो हमारे ग्रुप है वो जा रहा है, पर हमारा प्लान नहीं बना। और मैं पहाड़ क्यों हूँ, देख रहा हूँ मौसम, देख रहा कैसा हो रहा है, पूरा एक बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पर। ये रहा गोविंद घाट गुजारा, जाम रुके हुए हैं ऊपर, देख रहा हूँ ये जो है ना, ये देख रहा हूँ मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। तो भाई देख रहा हूँ ये बादल आ रहे हैं पीछे, हमें वहाँ जाना है। इस पहाड़ के पीछे से रास्ता है जो वो हिमकुट साहब की तरफ जाएगा, वो बादल पीछे से आ रहे हैं ना ये, मतलब इस चोटियों के पीछे बीच में आ गए हिमकुंड साहब है। इन चोटियों देख रहे हो ना सारी, इन चोटियों के बीच में आ गए हिमकुंड साहब है, वहाँ हमें जाना है कल की यात्रा जो है हमारी, तो वहाँ जाएंगे। और ये देख रहे हो मौसम देख रहे हो ऊपर का, ये बहुत बढ़िया व्यू हो रहा है। अगर बारिश पड़ी यार कहाँ मिला, कुछ नहीं मिलने लगा था बेटा, बाहर नहीं आ रहा रोड पे, मेन रोड पागल है क्या, ओए कहाँ जा रहा पागल, ऊपर जाएगा पालतू में ऊपर जाएगा। तो भाई ऐसे मौसम हो रहा है, चेक करो। तो यही अक्कल कल जाएंगे ऊपर रूट पे, ऊपर बर्फ गिर रही है। ये देखो ये सारा मौसम देख रहे हो कैसा बढ़िया बढ़िया मौसम हो रहा था। अब अगर किसी को कुछ खाना हो या मैगी वैगी की नहीं, यहाँ पर है मैगी ऊपर। मतलब सब ये ऐसे ही मौसम, और ये जो पुल है ना ये जाता है बस, और इस पर ये सब ये सूमो वाले दिख रही है ना इतनी सारी गाड़ियाँ, इन गाड़ियों को परमिशन है जाने की। तो दोस्तों ये गोविंद घाट का गुरुद्वारा साहब है, ये निशान साहब याद मौकों में, जब गोविंद घाट स्टे करोगे ना तो ये गुरुद्वारा साहब है, यहाँ पर मिल जाते हैं रूम, मतलब कंबाइन होते हैं लड़के लड़के सारे यहाँ पर रह सकते हैं, और फैमिली के लिए भी मिल जाते हैं। ये सारा एक रूम बना हुआ है यहाँ पर दोस्तों, ये गोविंद घाट का गुरुद्वारा है, ऊपर दर्शन कराते हैं गोविंद घाट गुरुद्वारे के। ये गोविंद घाट का गुरुद्वारा ये देखो कितना बढ़िया सजा हुआ है यहाँ पे। ये गोविंद घाट का गुरुद्वारा है, चलते हैं दर्शन करते हैं अभी पहले मैं। तो ये गोविंद घाट का गुरुद्वारा साहब है, ये
थे। अगर कोई सलाह लेना चाहे तो सामने है सलाह के लिए। ये गुजारा साहब गोविंद घाट का, अभी नहीं रह रहा, इसके टाइम पे जाएंगे। तो ये सब यहाँ पर रूम मिलते रहते हैं, ऐसे सब चलता रहता है यहाँ पे। ये गोविंद घाट का गुजारा साहब है, जिधर ऐसे ही मिलता रहेगा आपको। ज्ञान अगली टूटी है करना करड़ा सार कर मिले ता पाए और एक मत हुकुम द्वार पड़े।